दोस्तों, ऑलडीज गोल्ड में आपका मैं स्वागत करता हूँ। स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा के अंदर आज मैं आपको बिनोले के तेल के लाभ और कुछ साइड इफेक्ट इससे आपको परिचित कराऊंगा। इसे अंग्रेजी में काटन सीड ऑयल कहते हैं। बिनोले का तेल त्वचा संबंधी रोगों से लेकर पेट के रोगों में लाभदायक होता है। इसके सही मात्रा में सेवन से अधिक फायदा मिलता है। सोया, मक्का, कैनोला के बाद सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कपास है। कपास के बीज को ही बिनोला कहते हैं। कपास का प्रयोग जानवरों के लिए ईयरबड बनाने में, रुई बनाने में, मेडिकल रूप में कई तरह से किया जाता है। इससे बना परिष्कृत बिनोले के बीज का तेल यानी कि कॉटन सीड ऑयल बेनिफिट्स सौंदर्य प्रसाधनों व खाद्य पदार्थों में उपयोग लाया जाता है। इस तेल में इतने गुण हैं कि भारतीय कृषि अनुसंधान भी इस तेल को प्रमुख तेलों की तरह खाद्य तेल के रूप में प्रमोट करने का प्रयास कर रहा है। गाजियाबाद में स्थित राष्ट्रीय धर्मार्थ सेवा संस्थान के आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी का कहना है कि बिनोले का तेल आंतों के रोग में, सूजन में और हृदय रोगों में बहुत कारगर है। आज के इस लेख में डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी से जानेंगे कि बिनोले के तेल का क्या उपयोग है और ये किन बीमारियों में अधिक लाभदायक है और इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। बिनोले के तेल में मौजूद पोषक तत्व प्रोटीन 20%, वसा 20% और स्टार्च 10.5%। बिनोला के तेल के फायदे और उपयोग अब मैं आपको बता रहा हूँ। कब्ज में मददगार। बिनोले का तेल कब्ज में बहुत मददगार है। यह सामान्य लोगों के अलावा गर्भवती महिलाओं को होने वाली कब्ज में आराम दिलाता है। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी का कहना है कि गर्भवती महिलाओं को अक्सर गर्भावस्था में कब्ज की परेशानी होती है। इस परेशानी को दूर करने के लिए गर्भवती महिलाओं को बिनोले का तेल दूध में डालकर पीना चाहिए। इससे कब्ज होने पर आराम मिलता है। इससे आसानी से पेट साफ हो जाता है। बिनोला के तेल अन्य उपयोग पर डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी कहते हैं कि सामान्य लोग जिन्हें कब्ज की परेशानी होती है वे बिनोला के तेल को 2-3 ml रोज पिए। इससे उनकी कब्ज की समस्या कम हो जाती है। पेट के रोगों को दूर करता है। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी का कहना है कि बिनोले का तेल पेट के कई रोगों को दूर करता है। बिनोले का तेल पेट के कीड़े, आंतों में मल का जमना, आंतों की सूजन आदि में अच्छा काम करता है। जिन लोगों को ये परेशानियाँ हैं वे बिनोला का तेल 2-3 ml रोजाना सुबह शाम खाली पेट पिए। इससे उन्हें राहत मिलेगी। त्वचा के लिए लाभदायक। त्वचा संबंधी रोगों को खत्म करने के लिए
बिनोले का तेल काफ़ी लाभदायक है। ये तेल कई सौंदर्य प्रसाधनों में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग नहाने का साबुन और लोशन आदि में होता है। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी का कहना है कि जिन लोगों को अपने त्वचा पर ग्लो और चमक चाहिए वे नारियल के तेल के साथ बिनोले का तेल मिलाकर चेहरे पर लगाएं, इससे उनकी त्वचा मुलायम बनती है। स्किन पर बिनोले का तेल को लगाने से सूरज की किरणों से भी प्रोटेक्शन मिलता है। ये त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और एंटी एजिंग से बचाता है। हड्डियों को मजबूती देता है। डॉक्टर चतुर्वेदी का कहना है कि बिनोले का तेल महंगा होता है पर इसके फायदे भी काफ़ी हैं। इस तेल की मसाज करने से उतना ही फायदा मिलता है जितना कि जैतून के तेल का मसाज करने से त्वचा को मजबूती होती है, साथ ही हड्डियों को भी मजबूती मिलती है। हाँ, दिल के लिए लाभदायक बिनोले का तेल। बिनोले का तेल में गुड कोलेस्ट्रॉल होता है जो हृदय के लिए अच्छा होता है। इसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम होती है, इस वजह से ये हृदय रोगियों के लिए लाभदायक है। तो वहीं बाकी वेजिटेबल ऑयल के मुकाबले में सैचुरेटेड फैट भी अधिक होता है। इस तेल के सेवन ब्लड प्रेशर होता है जिससे हृदय रोगों का खतरा कम हो जाता है। देखो यहाँ थोड़ा कंफ्यूज हूँ मैं। इस तेल के सेवन ब्लड प्रेशर बेहतर होता है। सॉरी, देखो गलती हो जाती है। बिनोले का तेल जो है ये ब्लड प्रेशर को बेहतर बनाता है जिससे हृदय रोगों का खतरा कम हो जाता है। डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी का कहना है कि कश्मीरी लहसुन के दो गांठे और बिनोला तेल का सेवन कोलेस्ट्रॉल कम करने में बहुत लाभदायक है। देखिए अक्सर बहुत बारीक हैं, हाँ इसलिए गलती हो जाती है। हाँ, सूजन में भी ये लाभदायक है। बिनोला के तेल में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसके तेल से आंतों की सूजन में कमी होती है। बिनोला के तेल में जैतून तेल जैसे ही एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं। ये हार्ट डिजीज से लेकर आर्थराइटिस की सूजन कम करने में मदद करता है। इस तेल में मोनो अनोमोलेरेट पैदा होते हैं। इस तेल में हाँ जो सूजन को कम करने में मदद करते हैं। घाव को सुखाने में बिनोला के तेल में विटामिन ई होता है, तो त्वचा संबंधी परेशानियां जैसे अल्सर सोराइसिस आदि में मददगार साबित होता है। ये तेल घाव को सुखाने में मददगार है। बिनोला के तेल में एंटीऑक्सीडेंट प्रभाव होते हैं जो घाव को भरने में मदद करते हैं। बालों के लिए बिनोला के तेल में विटामिन ई पाया जाता है। इस तरह से माना जाता है कि ये तेल उपयोग करने से बालों की समस्या खत्म होती है। आजकल बालों का टूटना, बालों पर पतला होना, डैंड्रफ आदि परेशानियां होती है।
इन परेशानियों को बिनोला के तेल में नियंत्रित होती है। ये तेल बालों को पर्यावरण से होने वाले नुकसान से बचाता है, साथ ही बालों को मॉइस्चराइज भी करता है। इसके अलावा इस तेल को लगाने से प्रोटीन का नुकसान होने से बचता है। इस एक तेल के उपयोग के कई फायदे हैं। गठिया के रोग के अंदर विशेषज्ञों का मानना है कि गठिया रोग होने पर बिनोला तेल की मालिश करने से परेशानी में आराम मिलता है, तो वहीं बिनोला को पीस कर गठिया वाली जगह पर लगाने से भी लाभ होता है। ये विषय से अधिक जानकारी के लिए आज नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर से संपर्क करें। आपको अधिक जानना है तो आपके डॉक्टर से संपर्क करें। गठिया रोग में बिनोला के तेल के अलावा जैतून का तेल, एवोकाडो का तेल और अखरोट का तेल भी लाभदायक है। स्तनों में दूध की मात्रा बढ़ाए। बिनोला के तेल में स्तनों के अंदर दूध की मात्रा बढ़ती है, साथ ही इससे फोड़े फुंसी भी ठीक हो जाते हैं। चर्म रोगों को ठीक करने में ये काफ़ी मददगार है। बिनोला के तेल में गैसीपोल पाया जाता है, जिस वजह से यह लीवर पर नकारात्मक रूप से प्रभाव डालता है। जिन लोगों को बिनोला के तेल से एलर्जी होती है वे इसका सेवन न करें। इस तेल में पाया जाने वाला ग्लेक्सिपोल आपको कुपोषण का शिकार बना सकता है। इससे इनफर्टिलिटी की परेशानी भी बढ़ती है। बिनोले का तेल तभी फायदेमंद साबित हो सकता है जब इसका सीमित मात्रा में उपयोग किया जाए। अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से आपको इसके नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं, इसीलिए ध्यानपूर्वक इसका सेवन करें। कोई भी दुष्प्रभाव दिखे तो अपने वैद्य या डॉक्टर से संपर्क करें। ये सारी बात मैंने आपको बताई, अपनी ओर से मैं इसमें कुछ भी नहीं जोड़ूंगा। इसलिए कुल मिलाकर के बिनोले का जो तेल है ये बहुत लाभदायक है और अधिक मात्रा में इसका सेवन करने से साइड इफ़ेक्ट भी हैं, इसलिए अपने वैद्य की देख रेख में बिनोले का तेल का आप इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। और वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक।